जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे फैंटकोट जीएसटी 10 मैच की, जो कि दोस्तों एनसीटी बनाम एनआरके के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। फ्रेंड्स इसमें फैंटेसी टिप्स क्या है, पिच रिपोर्ट कैसे है, आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना फ्रेंड्स। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करता हूँ दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों एनसीटी की तरफ से रोमन मजूदर, जैन महमूद, यासिर महमूद, एस हुसैन, अफ्तिकत जमन, सागर रहमान, जाहिद हसन, विकास तोमल, आशीष मैम एंड राशिदुल हसन। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि एनसीटी की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ एनआरके की प्लेइंग 11 की। तो सैरन अहमद, गुनदीप सिंह, करणवीर सिंह, सरप्रीत सिंह, मंजूर अली, राहुल, एस सिंह, जसदीप सिंह, रौफ जमन, करण सिंह एंड शाहिद अली। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि एनआरके की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की। तो बता दूं दोस्तों ये मुकाबला 15 अप्रैल सैटरडे को दोपहर 2:20 से वाईपी सोनास क्रिकेट ग्राउंड में ये मुकाबला खेला जाएगा। बात करता हूँ यहाँ की पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों स्पिनर्स और पेसर्स के लिए पे ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। दोस्तों आपको बता दूँ यहाँ के वेदर रिपोर्ट, तो दोस्तों बारिश के यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं बनेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड्स ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों एनसीटी जो कि गुड फॉर्म में है रिसेंट मैचेस में, इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे फ्रेंड्स। टॉस प्रेडिक्शन की बात करूं, आज का टॉस है कौन जीत सकता है। अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, आज का टॉस है एनसीटी टॉस जीत सकती है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है फ्रेंड्स। मैच एक्सपर्ट एडवाइस की बात करूं दोस्तों, आप जिसान महमूद को एज ए स्मॉल लीग में कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यासिर महमूद को दोस्तों एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं। हेड टू हेड की बात करूं, दोनों टीमों के बीच एक भी हेड टू हेड मुकाबला नहीं हुआ है। अगर आपको लाइव टेलीकास्ट देखना है तो आप फैनकोट पर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो फ्रेंड्स। तो पॉइंट टेबल की बात करूं फ्रेंड्स, तो एनसीटी जो कि दोस्तों दूसरे स्थान पर है एंड एनआरके दोस्तों तीसरे स्थान पर है। फैंटेसी टिप्स की बात करूं दोस्तों, तो आप टॉप ऑर्डर बैटर सेलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराएं उनके विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे फ्रेंड्स, तो आप उनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए दोस्तों। विकेट कीपर में दोनों से ही आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेसर्स का इस पिच पर ज़्यादा रोल रहेगा फ्रेंड्स। विनिंग प्रेडिक्शन की बात करूं दोस्तों, तो एनसीटी जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज अ एनआरके टीम से, जो आप अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं। एनसीटी के अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। कुछ मौके खिलाड़ी जो कि एनसीटी की ओर से हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं, रोमन मजदर, यासिर महमूद, अफ्तिकत जमान, जाहिद हसन एंड तोमन अरिमल। दोस्तों ये मुख्य खिलाड़ी जो कि एनसीटी की तरफ से हैं। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि एनआरके की तरफ से हैं, सैरन अहमद, मंजूर अली, एस सिंह, जसदीप सिंह। दोस्तों ये मुख्य खिलाड़ी जो कि एनआरके की तरफ से हैं। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ बेस्ट परफॉर्मर जो कि अभी तक एनसीटी की तरफ से रही हैं फ्रेंड्स, रोमन मजदर, जैन महमूद, यासिर महमूद, एस हुसैन, अफ्तिकत जमन। दोस्तों ये बेस्ट परफॉर्मर जो कि एनसीटी की तरफ से रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ बेस्ट परफॉर्मर जो कि एनआरके की तरफ से रहे हैं, सैरन अहमद, गुनदीप सिंह, करणवीर सिंह, सरप्रीत सिंह एंड मंजूर अली। दोस्तों ये बेस्ट परफॉर्मर जो कि एनआरके की तरफ से रहे हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की। तो दोस्तों आप रोमन मजदर को एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यासिर महमूद को एज अ कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में दोस्तों जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। अफ्तिकत जमन को एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग में सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स एंड सैरन अहमद को एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी तक 784 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। एस सिंह जो कि 355 फैंटेसी पॉइंट हासिल कर चुके हैं फ्रेंड्स, आपके लिए ये खिलाड़ी बेस्ट रहेंगे फ्रेंड्स एज अ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग के लिए। नेक्स्ट बात करता हूँ इंजर्ड की। दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है फ्रेंड्स। जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ऐसे ही आपके लिए और फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूँगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।